सावनेरला झालेल्या कार अपघातात फैजान आलम नावाच्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, पण आरोपी अजूनही पोलिसांच्या तावडीत सापडलेला नाही. मृतकाला न्याय मिळावा यासाठी विकास ठाकरे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले आहे. मैं फैजान की खाला हूँ. फैजान को इंसाफ दिलाने के लिए आज सब यहाँ हमारी माँ बहनें सब जमा हुई है. फैजान को इंसाफ चाहिए. फैजान के जिसने भी ये सब किया है उसको बेल नहीं होनी चाहिए थी, पर बेल हो गई है. लेकिन हम सबको इंसाफ चाहिए. उसे फिर से जेल की सलाखों के पीछे रहना ही चाहिए. उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. उसे मेरे को इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए. अस्सलाम वालेकुम, मैं फैजान भाईजान की बहन हूँ. मेरा भाई था, वो ये बहुत गलत हुआ उनके साथ. और ये सब पढ़ने के बाद भी हम लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं. इतना अच्छा मेरा भाई, आप लोगों की वजह से उसको क्या हो गया ना. और उन जिन लोग जिसने ये किया उसको बेल भी मिल गई. ये बहुत गलत हुआ. अगर आपके साथ ऐसा होगा तो क्या आप उसको बेल दे देंगे? ज़रा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने रख के सोचिए कि मेरे भाई के साथ इतना गलत हुआ. अब हम लोग अपने आप हर किसी को तो नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग को थोड़ा सोचना चाहिए ना. मेरा इतना अच्छा भाई था, वो बहुत बहुत गलत हुआ. हमें जस्टिस चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए. अस्सलाम वालेकुम, मैं फैजान की खाला हूँ. वो मेरा भांजा था. ये बेरहमों ने इतने दरिंदगी से उसको कुचल दिया. और पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है? वो जालिम खुलेआम घूम रहा है, उसको बेल मिल गई. ना पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है. बेरहम मारे जा रहे हैं, मुजरिम खुलेआम घूम रहा है. हमको जस्टिस चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए. फैजान को जस्टिस चाहिए.